हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप लोग ड्रीम वन में अपना इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करें, कौन सा सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, वो हम लोग यहाँ पे आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा किस मैच में और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका यहाँ पे क्वेरी रहेगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले। तो आप लोग यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एक फैंटेसी यूजर के लिए, अगर आप लोग भी फैंटेसी यूजर हो। ठीक है, आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में खेलते हो, ड्रीम इलेवन, हाला प्ले, माई सर्कल अलर्न या बैट बॉल अलर्न, कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन हो जहाँ पे आप लोग खेलते हो, तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जहाँ पे अच्छी है और बहुत ही यहाँ पे की पॉइंट होता है कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट से एक अच्छे खासे यहाँ पे रकम प्रॉफिट के रूप में यहाँ पे कमाओगे। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो यार आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो यार वीडियो को आप लोग जरूर से कर देना लाइक। पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोग के लिए यहाँ पे बना के रखे हैं, सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कवर करके बताऊंगा। सो गाइस, पॉइंट नंबर वन आता है कि डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट इन 10 पार्ट्स, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जैसे जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग ड्रीम वन में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जितने बैंक अकाउंट में है वो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, उसे आप लोग 10 पार्ट में डिवाइड करो। उसमें से आप लोग ड्रीम वन में, यानी कि जो आपका पैसा अगर सपोज दैट जाता भी है तो आप लोग को उतना फर्क ना पड़े, उतना पैसा आप लोग लगा सकते हो और उस पैसे को आप लोगों को 10 भाग में डिवाइड करना। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, जिसमें से आप लोगों को लगता है कि यार आप लोग 10,000 रुपये लगा सकते हो ड्रीम इलेवन में, तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, 10,000 को 10 भागों में डिवाइड कर लेते हो, यानी कि 1,000 रुपये आप लोगों को हर एक मैच में लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डिवाइड कर लेना। क्योंकि होता क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा, आप लोग 10,000 लगा सकते हो ड्रीम इलेवन में, तो आप लोग 10 के 10,000 रुपये आप लोग एक मैच में लगा लेते हो और आप लोग क्या हो जाता, कई बार मतलब 90% ऐसे केसेस होते हैं कि 90% आप लोग वहाँ पर हार जाते हो, आपके सारे के सारे पैसे एक साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप लोग 10 भागों में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो सपोज दैट आप लोग 10 में से 5 शुरू के हार भी गए तो, और 5 आप लोग लास्ट के जीत जाते हो, तो आप लोग मतलब फिर भी आप लोगों को प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि आप लोग हेड टू हेड या फिर 3 मेंबर 4 मेंबर में भी खेलोगे, ठीक है, छोटी लीग खेलोगे या फिर बड़ी लीग, आप लोग कैसे भी लीग खेलोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे 10 भागों में डिवाइड कर लेना। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर टू आता है कि नेवर इन्वेस्ट ऑल मनी इन सिंगल मैच। ठीक है, कोई भी मैच हो, चाहे आपको 100% लगता हो कि आप लोग उस मैच में पूरी तरीके से विन कर लो। कई कई मैच ऐसा होता है हमारे अंदर से गट्स फीलिंग आती है कि यार हम लोग इस मैच में एकदम क्लीन स्वीप करने वाले, क्लीन स्वीप हम लोगों का यहाँ पे रहेगा, यही प्लेयर चलेगा ही चलेगा, अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ जाती है बहुत बार। ठीक है, आप लोग भी खेलते होंगे, सपोज दैट आप लोगों ने देख लिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, तो आप लोगों को लगता है कि इंडिया के प्लेयरों के बारे में तो आप लोग को सब कुछ पता होगा, हर एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को पिच रिपोर्ट भी भले पता होगी, लेकिन आप लोगों को कभी भी अपना जितना भी आपका अमाउंट रहेगा वो आप लोगों को सिंगल मैच में लगाना ही नहीं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी मैच हो। ठीक है, कभी भी मत लगाइए एक मैच में, क्योंकि ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर ग्रीड पैदा होती है उसके थ्रू हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, और बहुत बार मतलब 90% से ऊपर मैं कहूंगा कि 90% से ऊपर आप लोग हारोगे ही हारोगे उस मैच में। तो आप लोगों को नहीं करना ये कभी भी कि आप लोगों को सारा का सारा पैसा एक मैच में यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट भी यहाँ पे लगभग क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पे आता है कि ज्वाइन मनी कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो आपका जो बजट होगा, ठीक है, बजट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए। एक ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसे आप लोगों ने 10 भाग में डिवाइड किया, तो उसमें से आया था कि 1,000 रुपये आपका यहाँ पे एक मैच में रहेगा। ठीक है, उसका भी ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही लीग में 1,000 रुपये यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का 1,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है एक मैच का, तो फ्रेंड्स उसको आप लोगों को क्या करना है, उसकी आप लोगों को कम से कम 4 से 5 लीग आपको ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, सपोज दैट आप लोगों ने कर दी 125 वाली एक लीग आती है जिसमें 325 रुपये यहाँ पे विनिंग रहता है। ठीक है, वो 125 वाली आप लोगों ने 3 लगा ली। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने 1 लगा ली यहाँ पे, 2-3 आप लोगों ने 77 वाली लगा ली। ठीक है, फिर आप लोगों ने हेड टू हेड वाली जैसे 88 वाली आप लोगों ने लगा ली। तो इस प्रकार से आप लोगों को 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक ईयर लीग लगा ली डायरेक्ट 1,000 रुपये वाली, या फिर कोई 990 वाली वाली, या फिर 980 वाली, ऐसी कोई भी लीग आपको नहीं लगानी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे
जितने कॉन्टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना। उससे फायदा क्या होगा कि सपोज दैट क्या होता है कभी कभी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बड़े बड़े प्लेयर भी टकरा जाते हैं। इसलिए सपोज दैट आप लोगों ने 777 वाली लीग खेली, आप लोगों का बजट भी इतना ही है कि आप लोग एक ही लीग खेल सकते हो 777 वाली। उस लीग में आपके सामने जो टीम बनी है वो बहुत अच्छी, बहुत यूनिक, मतलब बहुत एक्सपीरियंस पर्सन ने वो टीम बनाई है। तो बहुत बार ऐसी लीग ऐसी टीम टकरा जाती है फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा, सपोज दैट आप लोगों ने 10 या फिर 1000 रुपये में आप लोगों ने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, ठीक है। दो कॉन्टेस्ट में आपके सामने भले स्ट्रॉन्ग टीम आएगी, लेकिन दो में आपके सामने जो टीम आएगी वो एकदम वीक टीम भी आएगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग आएगी तो वीक भी आएगी, ठीक है। और बाकी जो 6 बचेंगे उसमें आप लोगों के सामने एवरेज टीम आएगी, जिसमें से मुझे लगता है कि आप लोग 3 विन कर ही लोगे, ठीक है। तो 3 तो आप लोगों ने वो विन कर लिए, 2 आप लोगों ने यानी 5 आप लोगों ने लगभग यहाँ पर विन कर लोगे, ठीक है। बाकी जो 5 बचेंगे उनका अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो आप लोग उन 5ों में से भी मुझे लगता है कि 4 लगभग आप लोग जीत ही लोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो यहाँ पे मतलब कॉन्टेस्ट को आप लोगों को किस प्रकार से ज्वाइन करना। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4 जो कि है यहाँ पे कीप सेम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रखना चाहिए, विन हो या लॉस हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने लिखा भी है कीप सेम इन्वेस्टमेंट इस रिस्पेक्टिव ऑफ विन और लॉस, ठीक है। यानी कि आप लोग चाहे हारो चाहे जीतो, कई बार क्या होता है कि हम लोग जीत की खुशी में यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि दूसरे मैच में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि फ्रेंड्स आपके लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, या फिर कभी क्या होता है कि आप लोग हार जाते हो, आपको लगता है कि आप लोग अगले मैच में रिकवर कर लोगे, तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार इस मैच में मैं थोड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा और जो पिछला लॉस है उसे भी मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। आप हमारे अंदर मतलब ग्रीड पैदा हो जाता है पिछले लॉस को कवर करने का, तो आप लोगों को उस ग्रीड को वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। उस ग्रीड को आपके बारे सोचना ही नहीं है, जो मैच चले गए तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना है, चाहे आप लोग जीते हो चाहे आप हारे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को जो अपना इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को सेम रखना, चाहे आप लोग जीतो चाहे आप लोग हारो। जैसे आप लोगों ने सोचा कि आप लोग 10,000 को यहाँ पे 10 भागों में डिवाइड कर चुके हैं, आप लोगों को एक मैच में 1,000 ही रुपये लगाने, तो आपको 1,000 ही रुपये लगाना, वो 1,001 रुपये या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा आपका सेम रखना चाहिए, चाहे आप लोग हारो चाहे जीतो, इसका आपका इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी आप लोग का लगभग क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की विड्रॉ एक्स्ट्रा अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपके वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं, जैसे ड्रीम इन के वॉलेट में, चाहे आप लोग किसी भी वॉलेट में किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग खेलते हो, तो उसके वॉलेट में आप लोग को लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं। जैसे कि आप लोगों के वॉलेट में कभी कभी हो जाते हैं कि एक मतलब आप लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बजट है यहाँ पे 10,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये, ठीक है। तो वो अगर 15,000 है या फिर 1,500 रुपये, तो आप लोग को ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसे आप लोग को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेना। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोग लीग ज्वाइन करने लगोगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर चले जाएगा कि आप लोग यार एक लीग और खेल ले, 500 वाली क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की आपके अंदर फीलिंग आएगी, जिससे आप लोगों का जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर आपके वॉलेट में है वो आप लोग लगा ही लोगे। और उसको लगाने के चक्कर में क्या होगा कि फ्रेंड्स आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो धीरे धीरे लग करके यहाँ पर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप लोग कितना विन करो कितना लॉस करो, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी आप लोग यहां पे लगा लोगे और आप लोग मतलब उसको भी हार जाओगे। क्योंकि होगा क्या कि जैसे आप लोग के अंदर जब भी आप लोग के अंदर ग्रीड टाइप की यहाँ पे फीलिंग्स आएगी तो फ्रेंड्स आप लोग का लॉस निश्चित होगा। आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप लोग आज जीत जाओ, ठीक है। सपोज आप लोगों के अंदर ग्रीड पैदा हो, आप लोगों ने आज 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आप लोग उस एक्स्ट्रा पैसे को लगा के आप लोग यहाँ पे विन करो, 90% आप लोग यहाँ पे हारोगे ही हारोगे। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है आपके बजट से ऊपर, जितना भी पैसा आपके अकाउंट में बचा है आपके वॉलेट में बचा है, उसे आप लोग जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर वो वहाँ पर रहेगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रीड पैदा होगी और उस ग्रीड के थ्रू आप लोग यहाँ पर उस पैसे को लगा लोगे और आप लोग उस पैसे को भी यहाँ पर खो दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आई होप जो मैंने 5 पॉइंट आपके बीच में रखा कि आप लोगों को किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, सारी के सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे इन पॉइंट 5 पॉइंटों की तरफ से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट्स मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा, फिर भी कोई डाउट्स बचाए तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना फ्रेंड्स। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स।